हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक अलग ही तरह का यूनिक पुलाव बनाया है, जिसे हम कहते हैं पीस पुलाव। इसमें सिर्फ हमने मटर का ही इस्तेमाल किया है और किसी वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे पुलाव हम बहुत तरह के बना लेते हैं, मिक्स वेज का बना लेते हैं, गोभी का बना लेते हैं, लेकिन इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने दो मसाले तैयार किए हैं। एक तो हरी मटर का पेस्ट तैयार किया है, एक मैंने हरे धनिए का और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था। उन दोनों के डालने से आप देखिए इस पुलाव का कलर जो है वो ग्रीन आया है। मैंने थोड़ी सी साबुत मटर भी डाली है ताकि वो दिखने में लगे कि हाँ ये पीस पुलाव है। तो चलिए हम इस पुलाव को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी भरी मटर का हरे रंग का पुलाव, जिसको हम पीस पुलाव बोलते हैं। ज्यादातर लोग पीस पुलाव को उसमें मटर साबुत डाल के बनाते हैं। मैं इसको आज एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिसके अंदर मैं मटर का दोनों तरह से इस्तेमाल करूंगी। इसमें ये जो मेरी आप कटोरी देख रहे हैं, एक कटोरी मैंने मटर लिए हैं जिनको मैं ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूंगी, और ये जो छोटी वाली कटोरी आप देख रहे हैं ये मैंने अपने पुलाव के ऊपर से डालनी है। और ये मैंने एक टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, और ये मैंने लिए एक प्याज छोटा जिसको मैंने चॉप किया है, और ये एक कटोरी मेरा बासमती चावल है जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, और देखिए ये कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और एक मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी, वो भी इसको हरा रंग देने में हेल्प करेगी। तो देखिए ये मैंने मोटी वाली मिर्च ली है जो कि तीखी नहीं होती है, और ये हरा धनिया, तो इसका मैं एक पेस्ट बना के अपने पुलाव में यूज करूंगी। तो चलिए हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। हमने कुकर के अंदर घी डाल दिया है, इसके अंदर हम दो ये तेज पत्ते डालेंगे, एक बड़ी इलायची डालेंगे, दो सिनेमन के टुकड़े डालेंगे, और ये दो मैंने डाली है इसके अंदर लौंग, आधी चम्मच के करीब साबुत जीरा, हमारे मसाले थोड़े कड़क जाए। अब हमने जो एक प्याज चॉप करके रखा था उसको हम डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा सुनहरा होने तक भूनेंगे, ज्यादा हमें डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस हमें इतना ही प्याज ऐसे चाहिए था। अब हम इसके अंदर आधी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम ये अपना जो हमने टमाटर ग्रेट किया था उसको भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने मटर रखी थी उसका हमने पेस्ट बना लिया है, ग्रीन पेस्ट, इसको भी हम इसमें डालेंगे। इससे हमारी पुलाव के अंदर एक कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा पूरा। एक हमने जो हरा धनिया और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी पे डाल, हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर दो चुटकी करीब हल्दी, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, और आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और यहीं पर ही हम डालेंगे अपना टोटल सारा नमक। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे, भूनना पड़ेगा इसको हमें अच्छी तरह, क्योंकि हमारी मटर जो है हमने इसमें पीस के डाली है और वो कच्ची ही मटर है, फ्रोजन मटर है, तो अच्छी तरह उसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। हम इसको यहाँ थोड़ा ढक देंगे, देखिए हमारा पक पक के हमारा मसाला कितना अच्छा भुन गया है। अब हम इसके अंदर अपने चावल डालते हैं, हमारे एक कटोरी चावल थे तो अपना इसके अंदर हम सवा कटोरी पानी डाल, और ये हमने जो मटर साबुत रखी थी इसको हमने अलग से रखा था उसके अंदर हमने वो भी मटर डाल दिया। अब हम इसको एक विसल लगने पे इसको हम बंद कर देंगे, और फिर कुकर ठंडा होने पे हम इसको खोल, ये देखिए हमारा प्रेशर जो निकल चुका है, हम अपने पुलाव को खोलें, इतना फर्स्ट क्लास हमारा पुलाव बन के तैयार हो गया है। हम इसकी प्लेटिंग करते, ये लीजिए हमारा हरी मटर का हरा भरा
पुलाव तैयार है। इसको मैंने जिस तरीके से बनाया है, मटर को पीस के, वैसे मैंने मटर साबुत भी डाली है, आपको दिख रही है, लेकिन जो पीस पुलाव होता है हम लोग उसमें वेजिटेबल के साथ मटर को डालते हैं, लेकिन इसको मैंने एक नए तरीके से बनाया है, मटर का पेस्ट बना के और हरा पेस्ट भी बना के हरे धनिए का वो इसके अंदर डाला है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर लग रहा है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।